हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ओटीजी प्रॉब्लम को फिक्स करने वाले हैं। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट करके बताया कि उनके फ़ोन में ओटीजी प्रॉब्लम आ रही है। लाइक इस तरह से डिस्प्ले पर देख सकते हो, लिखा हुआ आ रहा है गो टू सेटिंग इनेबल ओटीजी और साथ में कनेक्टेड टू अदर डिवाइसेस सक्सेसफुली, इस तरह से हमारे फ़ोन में लिखा हुआ आ रहा है। तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स करना है, ये प्रॉब्लम आपको इन्फिनिक्स और टेक्नो के फ़ोन में देखने के लिए मिल जाएंगे। बट आप इस सेटिंग को करते हो जो मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपका किसी भी तरह का फ़ोन हो आपको ये प्रॉब्लम फिक्स होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको चार ऐसे सेटिंग बताऊंगा जिसको अगर आप करते हो तो आपका फ़ोन से ये प्रॉब्लम पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा और कभी भी आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नहीं होते चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको एक टूथब्रश ले लेना है। उस टूथब्रश से आपको अपने चार्जिंग पिन को अच्छी तरह से क्लीन कर लेना है, जैसे कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा इस इमेज में, जैसा यहाँ पर आपको दिख रहा है इसी तरह से आपको यहाँ पर अच्छे से अपने चार्जिंग पिन को यहाँ पर अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है। इसको आपको अच्छे तरह से क्लीन कर लेना है और इसको अच्छे से क्लीन कर लेंगे उसके बाद आप अपने फ़ोन में एक बार चेक करें इस तरह का प्रॉब्लम फिक्स हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आपका पहला सेटिंग हो जाता है जिसको आपको करना है, अच्छे से अपने चार्जिंग पिन को क्लीन कर लेना है, जिससे कि आपका पूरा तरह से वहाँ पर जो भी जंग लगे होंगे वो सारे वहाँ से साफ़ हो जाएंगे। इस तरह से आपको क्लीन कर लेना है। और नेक्स्ट सेटिंग आपको करना है जो कि आपको सेटिंग में चलना है। यहाँ से हम अपने सेटिंग में चलते हैं। कुछ इस तरह से आपको अपने सेटिंग को ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको एक ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा या फिर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर आपको इंटर हो जाना है। और इस तरह से हम अपने एप्लीकेशन में इंटर होते हैं तो यहाँ पर सी ऑल ऐप्स का ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पर इंटर हो जाना है सी ऑल ऐप्स में। और इस तरह से हम अपने सी ऑल ऐप्स में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ थ्री डॉट मिलेंगे, थ्री डॉट पर जाना है और यहाँ से शो सिस्टम वाले ऑप्शन पर जाना है और यहाँ से हमें एक एप्लीकेशन सर्च करना है। तो यहाँ पर हम एप्लीकेशन को देख लेते हैं। यहाँ पर एंड्रॉयड सिस्टम का एक ऑप्शन आपको मिल जाता है, सॉरी एप्लीकेशन मिल जाता है एंड्रॉयड सिस्टम। तो इस वाले एंड्रॉयड सिस्टम वाले ऑप्शन पर आपको चले जाना है और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टोरेज का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से क्लीन कैच करके एक ऑप्शन मिल जाता है, आपको यहाँ से इसको आपको क्लीन कर देना है। इस तरह से आपको कर देना है और बैक चले आना है। यहाँ से आपका दूसरा सेटिंग हो जाएगा और अब हम चलते हैं थर्ड सेटिंग की तरफ। इतना करने के बाद आपको थर्ड सेटिंग जो भी करना है आपको सेटिंग में ही करना है। आपको नीचे के साइड आना है और यहाँ पर एक सिस्टम का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको इंटर होना है और यहाँ पर आपको एक रीसेट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। रीसेट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आप इंटर होंगे और यहाँ से आपको रीसेट ऑल सिस्टम सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, आपको इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपको नीचे की तरफ रीसेट सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करना है आपको और यहाँ से आपको अपने सेटिंग को रीसेट कर लेना है। तो ये आपका थर्ड नंबर का सेटिंग हो जाएगा जो कि आपको अपने फ़ोन में कर लेना है। फाइनली हम यहाँ पर थर्ड सेटिंग कर लेंगे और उसके बाद आपके फ़ोन में जो प्रॉब्लम था यहाँ पर फिक्स हुआ कि नहीं हुआ आपको चेक कर लेना। और लास्ट सेटिंग जो आपको करना है, यहाँ पर फ़ोन में फ़ोन को आपको रिबूट करना है। रिबूट आप कर सकते हो या फिर स्विच ऑफ करके स्विच ऑन भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। आप रिबूट कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपको इतना कर लेना है आपके फ़ोन में और जो आपका ये प्रॉब्लम था ओटीजी प्रॉब्लम यहाँ पर फिक्स हो जाने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।